हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी मैं हूं दोस्तों खंडवा जंक्शन के पास, जो चिड़िया मैदान का रेलवे गेट था पुराना वाला, और वहां पर हूं। और इससे पहले भी मैं यहां पे वीडियो बनाया था दोस्तों, और यहां पर मैंने पहले भी बताया था कि बारिश के पहले ओवर ब्रिज जो है रेलवे लाइन के ऊपर से जो निकलेगी उसका काम कम्प्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी बारिश का स्टार्टिंग मौसम है, दौर है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक जो है इस रेलवे गेट से निकल रहा था और वो फंस गया चढ़ाव में जाने से। और देख सकते हैं कि इधर से भी जो है रेलवे लाइन जहाँ पर डाली जाएगी उधर से भी ट्रक आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो खंडवा के चिड़िया मैदान में जो मीटर गेज ट्रेन के लिए पहले रेलवे गेट थी यहाँ पर, उसके जगह अब क्या हो रहा है कि ब्रॉडगेज की लाइन डाली जा रही है। और ये जो है सनावत इंदौर तरफ का सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो गटर वगैरह जो नाले वगैरह बनाए जा रहे हैं ये ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। और सामने आप ओवर ब्रिज जो देख रहे हैं दोस्तों, वो यहाँ पर ला के छोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी ये पता है कि सिकंदराबाद डिवीज़न से कोई यहाँ पर जो सिकंदराबाद रेल डिवीज़न है वहाँ से कोई परमिशन नहीं मिली है आगे रेलवे के द्वारा यहाँ पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए। और सामने एक देख रहे होंगे कि जो दूसरी तरफ से ओवर ब्रिज आ रहा है वो सामने पिलर वगैरह तैयार करके छोड़ दिए गए हैं, और कुछ ही दूरी पे खंडवा जंक्शन है। और इधर जो है ब्रॉडगेज के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो गटर वगैरह है वो बनाई जा रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस काम में तेज़ी लाना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक को निकलने में इस रेलवे गेट से, क्योंकि ये रेलवे गेट जो है इधर आपको इधर जो मैं बताना चाहूँ तो पुनासा वगैरह जो है इधर चले जाते हैं इस रोड से अनंत नगर होते हुए, और इधर रेलवे स्टेशन की तरफ ये रोड जाती है। तो मेन काम रेलवे को ये करना था कि पहले ओवर ब्रिज तैयार करवा देना था, जिससे कि ट्रैफिक जो है ट्रैफिक का डाइवर्जन हो सके और निकल सके। तो आज ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस रेलवे गेट के पास जब ये ट्रक खराब हुआ थोड़ी सी चढ़ाव में चढ़ने में, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक आ रही थी बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो या तो वापस ले जा रहे हैं दूसरे रूट से, या आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक वहाँ पे एक माजदा गाड़ी खड़ी है उसको वहीं पे रोक दिए गए, क्योंकि यहाँ टू लेन नहीं है, मतलब एक बार में दो ट्रक या दो फोर व्हीलर गाड़ी नहीं निकल सकती है। ये चिड़िया मैदान का रेलवे गेट इतना छोटा है, तो इस स्थिति को देखते हुए ये रेलवे को पहले ही काम जो है ओवर ब्रिज वाला कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन रेलवे ने इस काम को अभी कंप्लीट नहीं किया है। और ये बारिश का अभी स्टार्टिंग मौसम है, और देख सकते हैं कि दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है यहाँ से निकलने में, और पानी का जल जमाव भी है। अब देख सकते हैं सामने पानी का जल जमाव भी है, मोटरसाइकिल वाले को निकलने में दिक्कत हो रही है यहाँ से, क्योंकि बीच में पानी भी बारिश का जम चुका है। तो इस पर जो है रेलवे प्रशासन को थोड़ी सी सोचनी चाहिए, और इस पर थोड़ा फैसला लेना चाहिए कि जो ओवर ब्रिज का काम है बचा हुआ उसको जल्द से जल्द परमिशन देकर कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि अभी बारिश का दौर स्टार्ट हुआ है, तो आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। और इसी तरीके के वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।